हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर है आपका 14, टॉपिक है आपका फोर्थ ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर क्लैम्पिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो भी ये आपने टॉपिक ये वाला फोर्थ ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ा था आपने कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कंडक्टर क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उस कंडक्टर पे एक फोर्स लगता है ना। और वो फोर्स कौन सा लगता है? BIL साइन थीटा। अभी बताएंगे आपको ना। हाँ, वहां पे सारी चीजें आपको बता देगी। फोर्स किस पे लगता है? करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगता है। किसकी वजह से लगता है ये भी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, वहां पे आपने पढ़ा था एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है तो कोई आपको पता ही है कि करंट कैरिंग वायर भी क्या करता है, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाकर। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने ऑलरेडी ले रखी, उसके अंदर आप एक करंट कैरिंग वायर रख रहे हैं, और करंट कैरिंग वायर यानी वो भी अपने चारों तरफ अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड, अब जब दोनों को रखोगे तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगे। आपस में क्या करेंगे? इंटरैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से उस कंडक्टर पे, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स काम करने लगता है, एक फोर्स एक्ट करता है ना। वो कंडक्टर क्या होता है? या तो आगे की तरफ चला जाएगा या तो नीचे की तरफ गिर जाएगा। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से, क्योंकि उस कंडक्टर पे एक फोर्स काम करने लगता है। वो फोर्स क्या होता है? BIL साइन थीटा। ये बताया गया था ना। एक चीज छूट गई थी, क्या? कि वो जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि फोर्स तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसका डायरेक्शन भी होगा। तो मैग्नीट्यूड के बारे में आप तो निकाले सकते हो, BIL साइन थीटा से आप वैल्यू निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। डायरेक्शन के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो उस डायरेक्शन यानी फोर्स के डायरेक्शन का हम लोग किससे निकाल सकते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है, तो ध्यान से सुनिए। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बताता है हमें? मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उसके डायरेक्शन को। कब? इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन। जब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो और करंट का डायरेक्शन पता हो, ठीक है, तब आप क्या करते हैं? फोर्स का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो आपको ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करेगा? फोर्स का डायरेक्शन बता देगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिख भी ले रहे हैं, चलिए लिख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहां पर लिख लेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखते जाइए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट, इंडिकेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ऐसे आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in an external
मैग्नेटिक फील्ड, देन कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर, देन कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स इन देयर, फोर्स मतलब होता है मैग्नेटिक फोर्स, देन कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विच इज ऑल्सो फोर्स, कैसा होगा किसके किसके परपेंडिकुलर होगा वो भी लिखते हैं, विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है बता दें, विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करेंट, जो फोर्स लगेगा वो करंट कैरिंग कंडक्टर पे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा किसके, करंट के डायरेक्शन के और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के, कैसे तो मैं आपको बता दे रहे हैं, हम यहां बना दे रहे हैं, अभी फिंगर से भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको यहां समझाने के लिए बना दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा बताते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ लें, थोड़ा सा बड़ा बता दें आपको समझ में आएगा, ये देखिए ये हमने बना लिया, अब देखिए यहां पर सारी चीजें हमने लिखी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को क्या बताता है आपको पता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज नोन, अगर आपको करंट का डायरेक्शन पता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड नोड आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता देगा, है ना, यहां पे अगर यहां पे देखो एक और प्रिंसिपल तो हमने लिखा है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को बिना करंट कैरिंग कंडक्टर स्पेस या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कंडक्टर स्पेस का मैग्नेटिक फोर्स व्हिच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, यानी इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड के इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, यहां पे वो रखी बुला देना, चलिए मान लीजिए हमने रख दिया, मान लीजिए हमने रख दिया करंट कैरिंग कंडक्टर, लिखा करंट कैरिंग कंडक्टर ए, देख रहे डायग्राम पहले कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको बता देते हैं, चलो मान लो इसमें एक करंट का डायरेक्शन पहले नीचे गया डाउनवर्ड करंट था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको पता ही पता है ना, करंट फ्लो कहां जा रहा है डाउनवर्ड नीचे जा रहा है, ठीक है, अब इस पे बाद में आते हैं, पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं क्या होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन की वजह से इस वायर पे फोर्स काम करने लगता है, फोर्स कौन सा होता है बता सकते हैं आपको बी आई एल साइन थीटा, कौन सा होता है बी आई एल साइन थीटा, ये बताया हमने ना, अब यहाँ पे यू फोर्स तो क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे लेकिन डायरेक्शन के लिए आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है क्या इसमें देखिए, सबसे पहले आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए, है ना, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड का कोई काम नहीं, हम केवल यूज करेंगे इसका लेफ्ट हैंड का, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात हो रही है, तो चलिए लेफ्ट हैंड लिया, उसके बाद क्या करेंगे उसमें तीन इंगलियों का काम है, एक थंब का, एक इंडेक्स फिंगर का और एक मिडिल फिंगर का, थंब सबको पता है इंडेक्स फिंगर ये वाली, ये इंडेक्स फिंगर इशारे वाली इंडेक्स फिंगर होगी, और ये बीच वाली देखो ये दो इंगली इधर एक बीच की, यानी कि ये मिडिल फिंगर, थंब का काम लगेगा इंडेक्स फिंगर का काम लगेगा और मिडिल फिंगर का काम लगेगा इनका, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे इनको हम इस तरह अरेंज कर लेंगे, यानी तीनों उंगलियों को इस तरह देखो अच्छे से देख लीजिए हमने कैसे किया, ये देखो ऐसे देख लो, देख रहे हो यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी थंब इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर ये तीनों क्या है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी थंब और इंडेक्स फिंगर इसके परपेंडिकुलर और इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर ये इसके परपेंडिकुलर और इंडेक्स फिंगर और थंब इसके परपेंडिकुलर, यानी तीनों आपस में परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है कि तीनों उंगलियां आपस में परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर ये इसके ये इसके ये इसके ये इसके ऐसे मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ऐसे देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ऐसे देखोगे इसके परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे अपने लेफ्ट हैंड को उठाएंगे उसको क्या करेंगे अपनी उंगलियों को इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, थंब जो होगा ऊपर की तरफ होगा इंडेक्स फिंगर ये देखो आपकी तरफ है और ये जो है यानी जो मिडिल फिंगर वो कहां जा रही है हमारे राइट साइड में जा रही है, देख रहे हो इस तरह एडजस्ट कर लेंगे, देख लीजिए अच्छे से देख लीजिए ऐसे बना के इसी की तरह बनाया गया, तो यहाँ पर जो जो आपका थंब है वो क्या दिखाएगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन,
इंडेक्स फिंगर है, यहाँ लिख दे इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर ये हमारी जो इंडेक्स फिंगर है क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। और हमारी जो मिडिल फिंगर है, हमारी जो मिडिल फिंगर ये वाली, ये जो मिडिल फिंगर है ये किसको किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट के डायरेक्शन को, यहाँ लिख देंगे कौन सी है सबसे बड़ी वाली होगी मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर हमारी किसको रिप्रेजेंट करेगी, करंट के डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को। तो आप अपने अच्छे से मतलब अपने लेफ्ट हैंड को अच्छे से इस तरह से इस रूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए, ये क्या है फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए हम क्या करता है फोर्स, तो इसमें एफ लिख लीजिए एफ, ये मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें बी लिख लीजिए, करंट ये मिडिल फिंगर करंट रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें आई लिख लीजिए, ये एफ ये बी या एफ यानी ये फोर्स बताएगा, इंडेक्स फिंगर बी यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी, करंट ये करंट के डायरेक्शन को बताएगी यानी मिडिल फिंगर, एफ बी आई, एफ बी आई कर लीजिए बस आपका हो जाएगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखिए। और कैसे पता करना है बता दे रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, हम रिप्रेजेंट करेगा फोर्स के डायरेक्शन को, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को, इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी वाली फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, और यहाँ पे करंट कह रही है क्या किया कंडक्टर रख दिया, एक वायर रख दिया जिसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा है डाउनवर्ड नीचे की तरफ है ना। अब यहाँ पे डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, एडजस्ट कर ली इसके अकॉर्डिंग, ये हमारा थंब है, ये हमारी इंडेक्स फिंगर है, ये हमारी मिडिल फिंगर है, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा फोर्थ के डायरेक्शन को, और ये आपकी मिडिल फिंगर क्या करेगी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, हमारी मिडिल फिंगर जो बड़ी बड़ी फिंगर है वो क्या करेगी करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जब भी किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया जाए और वहां पे आपको फोर्स का यानी मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करना हो तो अपने लेफ्ट हैंड उठाइए इस तरह से म्यूचुअली परपेंडिकुलर करिए तीनों उंगलियों को, और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे आप डिसाइड कर लीजिए दो चीजों को, करंट के डायरेक्शन को डिसाइड कर लीजिए और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिसाइड कर लीजिए, फोर्स का डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। चलिए तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है ऐसा यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सबसे पहले ये कोशिश करिए, सबसे पहले आप करंट पे ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड पे ध्यान दीजिए, यानी करंट के डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे ध्यान दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग उंगलियों को एडजस्ट करिए, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। चलिए तो हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ और करंट नीचे जा रहा है, हम क्या करेंगे सबसे पहले दो चीजें डिसाइड कर लीजिए करंट के डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, तो हमने ऐसे कर लिया था, बोलिए देख रहे हैं ये क्या है इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन को बता दूंगा सही बात है, और करंट यहाँ नीचे की तरफ तो करंट यहाँ पे जो हमारी मिडिल फिंगर करंट कहाँ नीचे जा रहा है नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे हमारा थंब हमारा कहाँ जा रहा है हाफ की तरफ, हाफ की तरफ आउटवर्ड आउटवर्ड यानी जो फोर्स लगेगा यहाँ पे वो कैसा फोर्स लगेगा आउटवर्ड लगेगा, देखो फोर्स का डायरेक्शन पता नहीं है यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स को कैसा लग रहा है आउटवर्ड लग रहा है आउटवर्ड आउटवर्ड लग रहा है ना बिल्कुल आउटवर्ड लग रहा है। अब अगर हम क्या करें इसीलिए क्या होता है करंट अगर ऊपर होता मान लो चलो देखो ऐसे आपको सिंपल सा बता देते हैं आप अगर यहाँ पे करंट के लिए वायर रखा हमने इसके करंट का डायरेक्शन ऊपर हो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए ही करंट के डायरेक्शन ऊपर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह तो यहाँ पे फिर से अपने उंगलियों को एडजस्ट करिए यहाँ पे कैसा डायरेक्शन होगा फोर्स का क्या करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर करंट का डायरेक्शन कैसा है ऊपर तो आप क्या करेंगे ऐसे देखो ये देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड इधर निकल रहा है इधर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो भाई जो बड़ी वाली फिंगर है जो मिडिल फिंगर है वो कहाँ निकाल रही है ऊपर की तरफ निकाल रही है ना और ऊपर कहाँ जा रहा है अंदर की तरफ यानी यहाँ पे अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है यहाँ पे फोर्स जो लगेगा जो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा इनवर्ड लगेगा अंदर की तरफ लगेगा है ना यहाँ पे करंट जब नीचे तो फोर्स कैसा लग रहा है आउटवर्ड लग रहा है आउटवर्ड देखो यहाँ पे क्या किया ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर को की उसके बाद करंट के डायरेक्शन में हमने अपनी मिडिल फिंगर को किया इन दोनों को एडजस्ट किया तो करंट और फोर्स का डायरेक्शन आपको अपने आप पता चलेगा हमारी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है हमारी मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में तो थंब क्या बता रहा है थंब आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता रहा है कि फोर्स जो है आउटवर्ड लगेगा यानी कि अगर वायर ऐसे रखा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा आउटवर्ड यानी ऐसे हो जाएगा ऐसे ऐसे पलट जाएगा आपकी तरफ बाहर की तरफ समझ रहे हैं तो आप क्या कह सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अकॉर्डिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से आप किसी भी करंट कैरिंग वायर जो कि
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वहां पे जो फोर्स एक्ट करेगा उस कंडक्टर पे, उस फोर्स का डायरेक्शन आप मैग्नेटिक रेफरेंस मूवमेंट से पता कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए तीनों नियमों को कैसे एडजस्ट करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स का डायरेक्शन इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी, करंट के डायरेक्शन को, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे किसी भी करंट करेंट वायर को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है अपने नियमों को ऐसे लेके जाइए। सबसे पहले दो चीजें डिसाइड करिए, करंट के डायरेक्शन को और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, थंब आपका फोर्स के डायरेक्शन को ऑटोमेटिक बता देंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे, बस इतना बोलो। ठीक है, चलिए थैंक यू, कर लीजिए।